हाय, दिस इज डॉक्टर आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जरकपुर चंडीगढ़। तो आज हम जो पेशेंट के बारे में बात करने वाले हैं, उनको आई थी दिक्कत नीज रिलेटेड पेन की, लेकिन उन्होंने काफी दवाइयां वगैरह खाई, ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, बट स्टिल उनका जो नी में पेन था वो ऐसे ही था। लेकिन जब हमने डायग्नोज किया, हमारे क्लिनिक पे आए, फाइंड आउट किया, तो रूट कॉज आप भी जान के हैरान हो जाएंगे कि उनको पेन कहाँ से आ रही थी, इतनी ज्यादा दर्द घुटनों में अचानक कहाँ से आई। सो जानने के लिए बात करते हैं, लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाय, हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम है। ओके, पूनम क्या एज है आपकी? मैम 29। ओके, आप कहाँ से आते हैं? बद्दी से मैम। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था पूनम आपको? मैम मेरे ना घुटनों में दर्द आई थी, तो मैंने दिखाया। कब आई थी? दो ढाई महीने पहले। ढाई महीने पहले अचानक से घुटनों में दर्द? जी, दोनों घुटनों में। दोनों में। ओके, फिर? तो मैंने दिखाया तो बोलने लगे कि आपकी ग्रीस खत्म हो गई है। अच्छा, तो मैंने दवाई खाई थोड़ी देर बंद, उसके बाद फिर दर्द चालू। जी, तो घुटनों में दर्द की वजह से आपको दिक्कत आ रही थी? जी। क्या दिक्कत आ रही थी? काम करने में भी, बैठने उठने में, आने जाने में बहुत ज्यादा। तो घुटनों के दर्द के अलावा कहीं दर्द नहीं हो रही थी आपको उससे? नहीं, और कोई दर्द नहीं? ओके, फिर आप यहाँ पे आए जैसे, तो फिर क्या हुआ? मतलब हमने आपको डायग्नोज किया, जी जी, तो उसमें तो हमें जो फाइंड आउट हुआ आपका घुटना, जब हमने एक दो दिन ट्रीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे आपको, लेकिन फिर आपने बताना शुरू किया कि आपको कमर में भी दर्द आ रही थी, लेकिन उस टाइम आपको कमर की दर्द इतनी परेशान नहीं जी, हाँ जी, कर रही थी, सिर्फ घुटनों की दर्द ही परेशान कर रही थी। तो जब हमने इनकी कमर चेक की तो उसमें इनकी जो सेक्रम बोन है वो हिल चुकी थी, और जिसकी वजह से इनको घुटने में इतनी ज्यादा पेन आ रही थी कि बैठना उठना सोना सब मुश्किल हो गया। तो घुटने में होता क्या था एग्जैक्टली? आप कुछ कहते थे ना कड़क की आवाज, क्या आवाज आती थी? कड़क कड़क की आवाज आती थी। ओके जी, तो जब भी आप साइड चेंज करने लगते थे तब भी आती थी? तो वो आवाज कमर से भी आती थी आपको कभी? तो आपने वो कभी बताया नहीं था लेकिन हमको कि ऐसा कुछ भी हो रहा था? जी। तो हुआ ये था कि प्रॉब्लम एक्चुअली पेशेंट को भी नहीं पता था, नी में इतनी पेन थी, नी पे ही फोकस किए जा रहे थे हम भी, नी को एक दो दिन ट्रीट किया लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर क्या हुआ था पूनम, एक्चुअली आपकी जब हमने हड्डी वो सेट की थी उस टाइम पे, फिर आप आ रहे थे जा रहे थे, तो आपका जो ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट था वो इतना ज्यादा आपको फील नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने आपको सजेस्ट किया था जी। क्या फिर आप रुकी थी यहाँ पे? कितने दिन रुके आप यहाँ पे? यही 4-5 दिन। ओके जी, तो उन 4-5 दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखी थी? जी हाँ जी, मतलब बिल्कुल सही हो गई थी, घुटनों में दर्द जो थी आपके तो वो भी खत्म हो गई, कमर में जो दर्द थी जी। तो 4-5 दिन उन्होंने स्टे किया, स्टे जरूर करना पड़ा, थोड़ी दिक्कत हुई फैमिली को, लेकिन उसके बाद जो इनको रिलीफ आया वो ऑलमोस्ट 80% तक हो गया था। तो जब ये वापस गए हैं तो वापस जाने के बाद जब हमने आपको डिस्चार्ज कर दिया था, आज आप आए हैं, तो 3-4 दिन आप घर में रह के आए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत? काम वाम कर रहे हैं? किया आपने अब घर में काम? जी। क्या कुछ काम कर रहे थे? घर का खाना खुना बनाओ, बच्चों को बर्तन कपड़े सब कर रहे थे जी। उससे पहले आप कर पा रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं करते थे तो क्या दर्द होती थी? बैठा नहीं जाएगा, खड़ा नहीं जाएगा, उसी टाइम ही दर्द आनी शुरू हो जाती थी। अब लेकिन आप कितने देर मतलब खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं? मैं 20 मिनट। खाना बना पा रहे हैं खड़े होकर किचन में आराम से? तो अभी ये सारा का सारा काम आराम से कर पा रहे हैं। तो इनकी जो दिक्कत थी, अगर कोई भी डॉक्टर है वो घुटना समझ के ट्रीट कर ही जा रहे हैं, जैसे इनको मेडिसिन दी उससे इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत दब रहा था पेन किलर से लेकिन फिर वही हो रहा था। तो एट द एंड हमें इनकी कमर सेट करनी पड़ी जहां से कि एक्चुअली दर्द आ रहा था, और उसके बाद देखिए 5-7 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। सो इन केस की अगर आप भी किसी ऐसे पेन से सफर कर रहे हैं जो डायग्नोज नहीं हो पा रही, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आराम से कॉल करके एक बार कंफर्म कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का भी सलूशन हो सकता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे बाकी के पेशेंट्स को जैसे सफर कर रहे होते हैं, जैसे आपने झेला इतने टाइम दर्द? मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ पे आए मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैं बहुत दिखाया नहीं, मतलब कहीं भी वो नहीं, बस वही मेडिसिन खाओ फिर से,
मतलब यहाँ पे आके बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा। तो घर वाले भी थोड़े परेशान होने लग जाते हैं कि इतनी जगह तो दिखा चुके हैं जी, जी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ही पता था कि दिक्कत मुझे क्या हो रही है और किस टाइप का मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच पूनम। चलो फॉर